हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके ग्रीन गार्डनिंग में। और आज के इस वीडियो में गाइस, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं भाई आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि मेरे पास ऐसा अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा टॉपिक नहीं मिल रहा है कि जिस पर मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एग्जैक्टली वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपके मन में डाउट है कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा और किस वजह से नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली आपको पता होगा मेरा विंटर में कुछ इतना ज़्यादा मैंने प्लांट्स लगाए थे कि जो मेरा टेरेस है ना, उस पर जगह भी नहीं बची थी। अभी फ़िलहाल में आपको पता ही होगा कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जो मतलब कि जो होते हैं ना विंटर के प्लांट्स, वो गर्मियों में नहीं सरवाइव कर पाते हैं। गाइस, शादी है, थोड़ा शोर आपको ज़्यादा हो रहा होगा। गाइस, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ मेरी क्या बोलते हैं यार, ग्लाडिया की सेपलिंग्स है, बोले तो सीडलिंग्स है, इनको लगाया था मैंने। तो अभी कुछ मैंने कुछ ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया था, इस वजह से नहीं किया था। मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं जो गर्मियों के प्लांट होते हो उनको मैं लगा था, हद से ज़्यादा इकट्ठा करता, बट थोड़ी सी आपको पता होगा जो मेरा टेरेस है ना। गाइस, माफ़ी मांगना चाहूँगा, थोड़ा शादी है तो शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। हमारा जो मेरा टेरेस है ना, वो छत है ना, वो बिल्कुल आउटडोर है, तो इसीलिए कुछ दिन पहले हमारे घर वालों ने बोला था कि इसकी बाउंड्री करवाएंगे, तो मेरे से बोला था कि जो प्लांट है ना वो मुझे किसी और छत पे मुझे इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता, फिर अगर अभी फ़िलहाल में करते तो, या फिर नीचे रखना पड़ता इसको। तो इसी वजह से मैंने सोच के मैंने प्लांट इस बार मतलब कि गर्मियों में कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया था। तो बाद भी कुछ मेरा अभी और भी सोच तो रहा था कि मैं इकट्ठा करूं, बट मैं अब कुछ ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ बारिश की तैयारी करूंगा जो बारिश में लगाने वाला हूं। और जो विंटर के लिए मैं बारिश के जो प्लांट है ना, बस वही लेके आऊंगा, अब बाकी के गर्मियों का लेने नहीं जा रहा हूं। अभी क्या मई जून, जून में आप बारिश के प्लांट आसानी से ख़रीद सकते हो, और जो भी आपके जो प्लांट है विंटर के, आप उनको एग्जैक्टली बारिश में अच्छे से बचा सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा कुछ टॉपिक था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। डालूँ तो किस टॉपिक पर डालूँ मैं वीडियो, ज़्यादातर मेरा दिमाग इसी पर घूमता है, टॉपिक फाइंड नहीं कर पाता हूँ यार मैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन चलती रहती है यार, कुछ दिमाग ख़राब रहता है। तो वो सब तो छोड़ो, घर की प्रॉब्लम है, बात आती है गार्डनिंग की। तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी होगा मैं आपको कुछ, मेरे पास एग्जैक्टली जो भी परमानेंट प्लांट है उसके अलावा मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कुछ, अभी मैंने ऑर्डर भी किया है और मेरे पास गमले भी नहीं मिल पा रहा है, सोच रहा हूँ कि बाहर जाके गमले ख़रीद के लाऊँ। तो आपको शायद डाउट क्लियर हो गया होगा, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको सब कुछ समझ आ गया हो तो अच्छी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय, ऑन लव यू ऑल।